पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस दैट इज यू। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा तब हम कहेंगे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बट सक्सेस में मुझे लगता है कि वो आपका ही होना चाहिए। अलग बात है, दुनिया अलग तरीके से देखती है, दुनिया तो ऐसे देखती है ना कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन, है ना, कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं सब कहते हैं अरे हमारा बेटा, पड़ोसी भी आए कहते हैं अरे बड़ा ही अच्छा बच्चा जी, है ना, पढ़ता ही रहता है जी, बहुत ही बचपन से देखता है, बहुत ही सिंसियर था। ठीक है, और जब आप फेलियर हो जाते हैं तो घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं। आज जो बातें सुनने को मिल रही है ना घर पे, एक एक बात आपकी मानी जाती है, चाहे पेरेंट्स को अपना पेट काट के ही क्यों ना आपको कोई चीज लाके देनी पड़े वो लाके देते हैं। इस कोर्स की फी भी पता नहीं कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, कईयों के लिए बहुत मुश्किल होगी इस फीस को भी अरेंज करना, उन्होंने किया होगा, कईयों ने बोला होगा मेरा मोबाइल अच्छा नहीं चल रहा, मम्मी पापा ने मोबाइल अच्छा लाके दिया होगा, कोई ने बोला होगा टैबलेट अच्छा नहीं है, शायद टैबलेट बेटर लेके दिया हो, या डेस्कटॉप लेके दिया हो, या लैपटॉप लेके दिया हो, या अच्छा हेडफोन लेके दिया हो, या घर पे मोबाइल कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, मोबाइल का कनेक्शन बेटर लेके दिया हो, वाईफाई लगवा के दिया हो। ठीक है, वो उन्होंने पता नहीं कैसे किया होगा, बट मेरी बात का ख्याल रखिएगा, ये जो आज एफर्ट इस साल आप लगाने वाले हैं अगर आपने अच्छे तरीके से लगाई तो ये सपोर्ट भी मेंटेन रहेगा, बट वरना कुछ सालों के बाद ये सपोर्ट आपको हटता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये अनफॉर्चुनेट है बट ये सच है।